अब जैसे ही ऑर्डर गिवन होगा, हम क्या क्या एक्चुअली ग्रुप के बारे में बता सकते हैं, है ना, तो वो आज हम करेंगे. एक्चुअली वी आर डूइंग द एप्लीकेशन ऑफ द शिलो थियरम. नंबर वन ले रहे हैं, नंबर वन लेते हैं. ग्रुप का ऑर्डर है सिंपल 40. सो व्हाट डू द शिलो थियरम टेल अस अबाउट ग्रुप जी. मतलब शिलो थियरम अब क्या कहता है, ग्रुप के बारे में क्या कहता है, वो हम देख रहे हैं हम. ठीक है, सो सी हियर, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 40 एंड इट कैन बी रिटन एज 2³ × 5. देखो शिलो थियरम होने से ये क्या क्या बता सकता है, जस्ट हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में. सो हियर पहले तो हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ PSSG. सिंपल पहला टास्क यही होगा, हम ऑर्डर ऑफ PSSG देखें. सो ऑर्डर ऑफ 2 SSG 8 है ना, ऑर्डर ऑफ 5 SSG इज 5. नाउ दूसरा टास्क ये, व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 SSG इन दिस ग्रुप जी. सो दिस इज द 1+2K है ना, एंड दिस 1+2K शुड डिवाइड 5. यहाँ पे भी सेम आ रहा है ना, सो ऑफकोर्स k इक्वल्स टू 0, 1, 2 के लिए. तो ये जो 1+2K जो आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 5 आ रहा है. नंबर ऑफ 5 SSG इन g इज इक्वल टू 1+5K एंड ऑफकोर्स दिस 1+5K शुड डिवाइड 2³ है ना, विच इज 8 लिख देता हूँ. ऑफकोर्स k इज दिस. ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, इट मीन्स दिस 5 SSG इज यूनिक. सो हियर यहाँ पे तो दो पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे सिंगल ये जो है 1 है. सो नंबर ऑफ 5 SSG जो है 1 है, सो इट इज यूनिक. एक है तो यूनिक है. ठीक, सो दिस इज यूनिक. अगर ये यूनिक है, सो जो भी ऑर्डर 5 का सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा. देयरफॉर 5 SSG इज नॉर्मल. सो देखो जरा, 5 SSG नॉर्मल है, से 5 SSG इक्वल्स टू सपोज H. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ H? और जो 5 SSG का ऑर्डर होगा वही H का ऑर्डर होगा, विच इज 5. यानी जो भी H होगा वो एक साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 होगा. सो मैं ये कह सकता हूँ 5 SSG हैज 4 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5. ठीक है, 4 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5. इन एनी केस, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है, भाई ग्रुप का ऑर्डर है 40, तो बताओ ऑर्डर 5 के एलिमेंट कितने होंगे 40 के पास? 4 होंगे. ठीक है, 5 SSG जो होता है वो यूनिक होता है, तो जो भी एलिमेंट होंगे इसी में आएंगे, ऑर्डर 5 के तो इसी में ही आएंगे. तो 5 SSG हैज 4 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5. नाउ देखो, अब यहाँ पे हमारा ये दो केस बनते हैं, नंबर ऑफ 2 SSG एंड नंबर ऑफ 2 SSG जो है वो 1 हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है. दो केस बन रहे हैं ना. सो सी, सपोज नंबर ऑफ 2 SSG भी यूनिक हो जाए, नंबर ऑफ 2 SSG भी यूनिक हो जाता है तो क्या होगा? अगर नंबर ऑफ 2 SSG जो है वो भी यूनिक हुआ, है ना, नॉर्मल तो हो गया ही, तो अगर नंबर ऑफ 2 SSG यूनिक हुआ तो 2 SSG का ऑर्डर कितना है? 8 है. 2 SSG का ऑर्डर 8 है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं भाई नॉन आइडेंटिटी, नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन द 2 SSG जो होंगे वो 7 होंगे ना. एक तो आपको आइडेंटिटी होगा, बाकी 7 होंगे. तो यहाँ पे हमारे 5 SSG एंड 2 SSG आए ऑफकोर्स. तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ 5 SSG जो है वो यूनिक ही दिख रहा है हमें, है ना, और नंबर ऑफ 2 SSG जो है वो 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ये बता सकते हैं हम. तो पॉसिबिलिटी है, देखो अगर नंबर ऑफ 2 SSG 5 हो जाए, ऑलवेज जब भी हम ये आप इसको मतलब कुछ करोगे तो ऊपर से लेना. कभी हो सकता है कि नंबर ऑफ जो 2 SSG ये यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हो तो कुछ कंट्राडिक्शन हो रहा हो, अगर ग्रुप के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको पता हो तो हो सकता है वो ना हो के वो आप पर्टिकुलर कोई लेना ले पाओ. लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, सपोज से यहाँ पे जस्ट हम देख रहे हैं, फर्स्ट तो यही है, सेकंड देखो 5 SSG के लिए सपोज नंबर ऑफ 2 SSG जो है वो 5 है, है ना, नंबर ऑफ 2 SSG जो है 5 है. सो H1, H2, H3, H4 एंड H5 तो ये 2 SSG है. सो नंबर ऑफ 2 SSG अगर 5 है ना, 2 SSG का ऑर्डर
एट है ना, ये ध्यान रखना है, टू एस एस जी का ऑर्डर एट है। सो से अगर नंबर ऑफ टू एस एस जी फाइव हो गया, सो जो एक एक एच वन में जो एलिमेंट यूज हो रहे होंगे, सो ऑर्डर ऑफ एच वन जो होगा या एच आई जो होगा, एच वन के लिए कर रहा मैं, एच वन जो होगा वो एट है ना, एच वन जो है वो एट है। तो जो नंबर यूज हो रहे इस एच वन में, जो एलिमेंट यूज हो रहे एच वन में, वो एट है। और यहाँ पे जो एट है, एक तो आइडेंटिटी है और सेवन जो एलिमेंट है वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब ये यहाँ पे ये कहा है सिलो थ्योरम में, भाई अगर यूनिक होता है, इफ एंड ओनली इफ केस है, अगर यूनिक होता है तो वो आपका क्या होता है, वो नॉर्मल होता है। ये अगर यूनिक नहीं हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि वो नॉर्मल होगा, ठीक। अगर लेकिन यहाँ पे दो चॉइस है, वो यूनिक हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। तो टू एस एस जी नीड नॉट टू बी नॉर्मल यहाँ पे। अगर वो यूनिक हो गया तो उस केस में हो जाएगा नॉर्मल, लेकिन अगर फाइव हो गया तो वो नॉर्मल नहीं होगा। सो देखो सिलो थ्योरम हमें क्या कह रहा है अब यहाँ पे, टेल अस अबाउट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 40 नंबर वन या नंबर ए। ग्रुप का जो टू एस एस जी का जो ऑर्डर होगा वो एट होगा, फर्स्ट तो ये कह रहे हैं, और फाइव एस एस जी का जो ऑर्डर होगा वो होगा ऑफकोर्स फाइव, ठीक है। सो बी, फाइव एस एस जी इज ऑलवेज नॉर्मल ये कह रहा है, ठीक है। बट टू एस एस जी नीड नॉट टू बी नॉर्मल। अब डायरेक्ट यहाँ पे नॉट नॉर्मल मत बोल देना, क्योंकि भाई टू एस एस जी जो है वन, दो चॉइस आ गई ना, वन भी हो सकता है फाइव भी हो सकता है। सो यहाँ पे हम बोल देंगे इट नीड नॉट टू बी नॉर्मल। अगर ये जेड 40 हो गया तो ऑफकोर्स, या कोई अबेलियन ग्रुप हो गया तो टू एस एस जी जो भी होगा वो भी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे नॉर्मल, बिकॉज वहाँ पे दो चॉइसेस हैं। सो नीड नॉट टू बी नॉर्मल बोल देंगे, जरूरी नहीं वो नॉर्मल ही हो, ठीक है। सी, एक नॉर्मल आ गया तो हमारे पास, एक नॉर्मल आने का मतलब होता है भाई हमारे पास हम और भी ग्रुप जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या और भी सब ग्रुप जो है वो बना सकते हैं, ठीक। अब देखो जो पी एस एस सी फर्स्ट थियरम जो है, पी सब ग्रुप जी हैज पी सब ग्रुप्स, या पी सब ग्रुप छोड़ो, टू सब ग्रुप ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर टू फोर एंड एट, ये तो होंगे ही होंगे। एंड ऑफकोर्स फाइव, ये तो ऑलरेडी हमने ऊपर कर ही दिया, फाइव एस एस जी ऑफ ऑर्डर फाइव विच इज नॉर्मल यहाँ पे लिखा है। सो वी नो ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। सो देखो, सिंस अगर आपने जो इसको किसी को एच कहा है, सपोज एच इज टू एस एस जी, किसी को नाम भी दिया गया हमने एच के करके, एच को फाइव एस एस जी लिया है आपने, सब वेयर एच इज फाइव एस एस जी एंड के इज टू सब ग्रुप लिख रहा हूँ, ठीक है। तो टू सब ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो डिफरेंट है, टू ए फोर ए एट है। तो इस केस में अगर एक नॉर्मल है एक सब ग्रुप है, तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी, दियर फोर जी हैज सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, मल्टीप्लाई करो फाइव से इनकी, कितना हो रहा है 10, 20, लेकिन 40 तो इट सेल्फ है ही, एंड ऑफकोर्स 40 इट सेल्फ, चलो लिख लो। तो ये भी हम क्लेम कर पा रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर 10 और ऑर्डर 20 का भी इसके पास सब ग्रुप होगा, बाकी नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हम बता ही पा रहे हैं, देखो प्रॉब्लम से ही क्लियर होगा एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन इसका ये भी है कि जैसे सिंपल ग्रुप भी हमें एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा उसमें, तो सिंपल है या नहीं है ग्रुप, उसके लिए ऑफकोर्स हम यहाँ पे सिलो थ्योरम का यूज करके करेंगे।